हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको आपकी टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल की फर्स्ट पोयम अ फोटोग्राफ की समरी इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी, साथ ही उसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको लास्ट वीडियो की तरह इस वीडियो में समरी के बाद मिल जाएंगे। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। इस पोयम की पोइटेस यानी कवित्री शर्ली टॉल्सन हैं। पोयम में शर्ली अपनी माँ और उनकी कजन्स बेटी और डॉली के बारे में बता रही हैं। दीवार पर शर्ली की माँ और उनकी दो कजन्स का फोटो लगा हुआ है। फोटो फ्रेम कार्डबोर्ड का बना हुआ है। दरअसल शर्ली ये बताना चाह रही हैं कि फोटोग्राफ लगभग 20-30 साल पुराना है। तब शर्ली की माँ की उम्र 12 साल के लगभग थी और वह अन्य दोनों लड़कियों से बड़ी थी और उन्होंने अपनी दोनों कजन्स के हाथ पकड़े हुए हैं। वे स्माइल कर रही हैं और बेहद खुश हैं। तीनों बीच पर छुट्टियाँ बिताने गई थी। समुद्र उनके पैरों को धो रहा है। वह नंगे पांव रेत पर चल रही थी जिससे उनके पैरों के निशान रेत पर बन रहे हैं। बीच पर तेज़ हवा चल रही है जिससे उनके बाल भी उड़ रहे हैं। उनके अंकल ने उनका ये फ़ोटो क्लिक किया था। आज शर्ली याद कर रही है कि उनकी मदर इस फोटो को देखकर बहुत खुश होती थी। वे पोइटस के जन्म से पहले बेहद खूबसूरत दिखती थी। वह अपनी कजन्स के ड्रेस को देखकर उस पर कमेंट करती थी। शर्ली सोच रही थी कि आज लगभग 12 साल हो गए हैं उनकी डेथ हुए। जिस प्रकार से माँ अपने पुराने बचपन के दिन वापस नहीं पा सकती थी, उसी प्रकार आज शर्ली भी अपनी माँ को वापस नहीं पा सकती हैं, जिससे वह दुखी हो रही हैं। उनके पास अब कहने का कुछ भी नहीं है, एक अजीब सी खामोशी है। तो बच्चों, इस तरह से पोयम कंप्लीट होती है। अब मैंने इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको दे दिए हैं, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।